आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान अपने शबाब पर है। सेल्फ रिलायंट इंडिया की तामीर के लिए हर मिनिस्ट्री ने अपने स्पेशल पैकेजेस के ऐलानात कर दिए हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कोरोना महामारी के मद्देनजर शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की परमिशन दे दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विमल जैन और फाइनेंशियल एनालिसिस डॉक्टर रवि सिंह। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। रवि सिंह साहब, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी जब परचेज कर रहे हों तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है और आपको उसमें कितनी सुविधा मिल रही है, क्योंकि बहुत से ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनमें कि आप बिना जाने ले लेते हैं और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को तय करें कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल लेनी है या फिर पूरे परिवार के लिए लेनी है या फिर अपने माता पिता यानी सीनियर सिटीजन है उनके लिए लेनी है, और फिर उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि वो पॉलिसी आपको सुविधा दे रही है, यानी कि आप ऐसे शहर में रह रहे हों जहां पे उन हॉस्पिटल से उनका टाई अप हो और जिससे कि आप जब भी कभी कोई क्लेम लेने जाएं तो आपको आसानी से क्लेम मिल सके। दूसरी तरफ है, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने जिस पर्पस के लिए लिया है, सपोज करिए कि आपको कोई ऑपरेशन कराना है और उस ऑपरेशन को वो कवर करती है पॉलिसी या नहीं करती है या आगे कितने दिन बाद कवर करेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग पॉलिसी परचेज करने के बाद इस परेशानी में फंस जाते हैं। तो अपनी ज़रूरत और अब पूरी समझ कर ही पॉलिसी को यहाँ पर लेना चाहिए। विमल जैन साहब, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जब पॉलिसी हम लेते हैं तो ये थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या फायदे होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन फायदा उठा सकता है, कितनी बीमारियां इसमें कवर्ड है और कितने अमाउंट तक का हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, एक एक करके बताता हूं मैं आपको। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। कितना आप कवर्ड कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी और आपकी प्रोबेबल फ्यूचर रिस्क जो हेल्थ से रिलेटेड है आप कितना जज कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम यंग एज पे होते हैं तो हम इलनेस प्रोन नहीं होते, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमें बीमारियां घेरने लगती हैं, तब हम की बहुत जरूरत पड़ती है। बट अगर आपने शुरू से पॉलिसी ले रखी है और आप उसे ईयरली बेसिस पे रिन्यू कराते जा रहे हैं तो आपका प्रीमियम का इफेक्ट, क्योंकि आपको एक नो मेडिक्लेम बोनस भी मिलता है जो एडवांटेज देता है आपके प्रीमियम में रिडक्शन करने का, तो यानी आपकी प्रीमियम आपकी कवरेज को कोरिलेट करती है। फिर हम देखें इसमें क्या क्या बीमारियां कवर्ड है। अगर हम कहा जाए कवर्ड है, लेकिन कई बार ऐसी पॉलिसीज होती हैं जहां पे प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है उनको कवर्ड नहीं किया जाता, और कई पॉलिसीज ऐसी हैं जहां प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर किया जाता है। और ऐसा भी हमने देखा है कई ऐसी पॉलिसीज हैं कि आपने पॉलिसी ली और पॉलिसी के दौरान आपको कोई नई डिजीज हो गई तो उसका भी कवरेज आपको मिलता है। तो यानी डिफरेंट तरह की पॉलिसी डिफरेंट कवरेज के साथ डिफरेंट प्रीमियम के साथ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करती हैं। बट हम इन जनरल टर्म्स में देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस में हमें क्या क्या एडवांटेज है, क्या फायदा मिलता है। आप स्टार्ट कीजिए कि अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली किसी बंदे को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो हॉस्पिटलाइजेशन में कितने खर्च आते हैं, उसके दवा मेडिसिन, उसका रूम रेंट जहां पे बेड चार्जेस होते हैं, उसकी सर्जरी चार्जेस, उसके ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, जो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें कवर्ड होते हैं, आपके जो अदर एंसिलरी आइटम होते हैं जो मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम पे जो जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है वो आप हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जब हो रहा होता है वो सारे खर्चे भी इसमें कवर आते हैं, एम्बुलेंस चार्जेस,
इवन कई बार एक्सपर्ट डॉक्टर को बाहर से बुलाया जाता है, उसको भी इसके अंदर कवर किया जाता है। प्री एंड पोस्ट, कई बार होता ही है कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, खर्चे की जरूरत है, वो भी मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब आप घर आते हैं तब भी उसका कवरेज करना पड़ता है। और इसके अलावा डेली बेसिस पे कई बार जो आपका अटेंडेंट है, आपके रेगुलर जो जाने आने के खर्चे हैं, फूडिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको भी इसमें कवर किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। मैंने आपसे ये कहा कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज की डेट में अवेलेबल है, वो डिफरेंट तरीके से चीजों को कवर करते हैं। कई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल डिजीज को भी कवर करती हैं, कई नहीं करती। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, आप ये इंश्योर कर लें कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपके हिसाब से जो आप चाहते हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बट ओवरऑल मेडिक्लेम आज की डेट में नीड है, क्योंकि आप देखिए बीमारी कब किसको घर कर जाए, ये अनफॉर्चुनेट है। बट उसकी कवरेज के लिए आपके पास एक पॉलिसी होना जरूरी है। अगर पॉलिसी नहीं होगी तो आपका जो फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस है, सी अगर कोई बेचारा अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ जाए और उसने पॉलिसी नहीं ली है, तो घर में उसके पास जितनी सेविंग होगी वो उसे खर्च करनी पड़ेगी अपनी बीमारी से बचने के लिए। बेहतर ये है कि हम समय रहते हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें और अपनी नीड और नेसेसिटी के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन देखें। ये वाकई हमें बहुत सारी कवरेज देती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा मैंने कहा डिफर करती है, बट जो भी इंश्योर जो पॉलिसी होल्डर है वो देख ले वो किस तरह की पॉलिसी लेना चाहते हैं और किस इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहते हैं। रवि सिंह साहब, एक बेहद अहम सवाल जो आज के पर्सपेक्टिव्स में बहुत जरूरी है। हाल ही में COVID-19 पेंडेमिक के मद्देनजर इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बीमा कंपनियों को शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की परमिशन दी है। ये शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या कोविड कवर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, इसे एक आम आदमी कैसे समझे और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? समय समय पर IRDA जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको यहाँ पर निर्देश देते रहते हैं कि किस तरीके से आम आदमियों को उसका फ़ायदा मिल सके, और सरकार के इसी आदेश के नज़रिए से यहाँ पर लाइफ जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एक निर्देश दिया गया है जिसके अंतर्गत अब जो कोविड जैसी बीमारी है जिसको कि तीन महीने से 11 महीने के लिए आप शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस यहां पर करा सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। सरकार ने जिस तरीके से IRDA ने यहां पर जो निर्देश जारी किया है वो 23 जून 2020 को जारी किया है और अभी फ़िलहाल ये 31 मार्च 2021 तक के लिए अप्लीकेबल है। समय समय पर IRDA इसको जो है वो चेंज करता रहता है, यानी कि आगे बढ़ाने की ज़रूरत हुई तो उसको बढ़ाएगा। और इसका फ़ायदा जो कोविड से जो लोग जूझ रहे हैं या जो आम जनता जो परेशान है, जो बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर लग रहे हैं, उसका फ़ायदा लिया जा सकता है और आप इसमें जो इंश्योरेंस है वो आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो 3.5 महीने का या 6.5 महीने का या 9 महीने का इंश्योरेंस आप इसमें छोटा सा प्रीमियम दे करके परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर IRDA के निर्देश के बाद बहुत सी जो इंश्योरेंस कंपनी हैं उन्होंने इस तरीके के पैकेज दिए हैं जो आम जनता को यहाँ पर फ़ायदा दे सकते हैं। जैन साहब, ये जो IRDA है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है क्या और इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का मकसद क्या है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द एक्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में बनाई गई थी। इस अथॉरिटी का मेन जो फोकस होता है वो इंश्योरेंस रिलेटेड होता है। सो इंश्योरेंस रिलेटेड अगर आप फंक्शंस देखना चाहें, सेक्शन 14 ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट में कई फंक्शंस IRDA के लिए डिफाइंड किए गए हैं। बीइंग रेगुलेटरी बॉडी है तो वो ये इंश्योर करती है जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो, कोई उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, उसकी कैंसिलेशन चाहिए, उसका कंट्रोल एंड सुपरविजन, इवन इंश्योरेंस रिलेटेड एजुकेशन,
जो हमें स्प्रेड करनी है, जो इंडिविजुअल को देनी है, वो सारी एजुकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना इंश्योर्ड का, इंडिविजुअल का जिसने पॉलिसी ली उसको क्या क्या प्रोटेक्शन चाहिए, अगर कोई भी वजह से उस इंडिविजुअल जिसने इंश्योरेंस ली अगर उसे प्रॉपरली सर्विसेज नहीं दी जा रही तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। ये रेगुलेटरी बॉडी उन इंश्योरर के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अपना एक्शन लेती है। इंश्योरेंस सेक्टर में आपने देखा होगा एजेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इंटरमीडियरी हैं। सो एजेंट को एजुकेट करना इंश्योरेंस रिलेटेड, क्योंकि ये मार्केट में जाते हैं, कस्टमर इंडिविजुअल को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ये सारी चीज ये इरेडा करती है। इरेडा ये भी इंश्योर करती है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगी, क्या प्रोसेस होगा, उसकी प्रॉफिट कैसे देखी जाएगी, उनका कंट्रीब्यूशन जब वो लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस जनरल इंश्योरेंस जब मार्केट से लेती हैं तो क्या स्पेसिफाइड परसेंटेज होना चाहिए अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है और ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक एक्टिव रोल अदा करती है, तो ये सारी चीजें उनके लिए रेगुलेशन बनाना। लाइक अभी हम कोरोना में यू नो वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद कोरोना, तो कोरोना रिलेटेड दो स्पेसिफिक पॉलिसी, कोरोना कवच, कोरोना रक्षक। तो यानी ये इरेडा ये सारी पॉलिसीज लेके आती है जब हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वो लाइफ से भी हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस भी हो सकता है। कई बार हमने देखा होगा अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कैसे प्रोटेक्शन करना है, क्या कवरेज देनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगी, इनका रोल क्या है, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीजें इरेडा का रोल है। इरेडा एक रेगुलेटरी, आप ये मान के चलिए टॉप मोस्ट बैठ के इन सारी चीजों को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, दोनों पार्ट, जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है, दोनों के अंदर सामंजस्य, सिनर्जी, के जो इंश्योरेंस जिसका पर्पज है रिस्क को प्रोटेक्ट करना कैसे होना चाहिए, इससे रिलेटेड टैरिफ, आपकी प्रीमियम क्या होनी चाहिए, ये किसी इंश्योरेंस कंपनी की स्वीट विश नहीं होती कि वो कुछ भी प्रीमियम चार्ज कर ले। इरेडा उसे मैनेज करती है, टैरिफ कमेटी होती है जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसीज आपके टैरिफ डिसाइड करती है, एज ग्रुप बंदे का, उसकी इनकम अर्निंग बंदे का जो ले रहा है इंश्योरेंस क्या प्रीमियम होनी चाहिए, इंडिविजुअल पे क्या होगा, फैमिली फ्लोटर पे क्या होगा। कई बार ग्रीवेंसेस होते हैं, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली उसके ग्रीवेंसेस है, अगर वो ग्रीवेंसेस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में है और इंश्योरेंस कंपनी उन चीजों को ठीक नहीं करती, आप एज ए कंज्यूमर इरेडा के पास जा सकते हैं, इरेडा के पास कंप्लेन कर सकते हैं, इरेडा एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी उस इंश्योरेंस कंपनी से पूछेगी कि आपने इस कंप्लेन को एड्रेस क्यों नहीं किया। सो इरेडा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, मैनेज करती है। रवि सिंह साहब, कोरोना काल एक ऐसा पीरियड है जिसमें हेल्थ इम्पॉर्टेंट हो गया है, ऐसी हालत में हेल्थ इंश्योरेंस कितना कारगर साबित हो सकता है? जनरली सरकार ने बहुत सी इंश्योरेंस स्कीम्स लागू करी जिससे कि आम जनता को उसका फ़ायदा मिल सके, लेकिन पहले शायद आम जनता को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती थी, लेकिन जब से कोरोना का पेंडेमिक हुआ है उसके बाद से ये अब हर आम आदमी को समझ में आ गया है कि एक हेल्थ स्कीम जरूर यहाँ पर, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा आगे आने वाले समय में यहाँ पर मिलता है। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आम आदमियों को भी इस चीज़ की समझ है कि अगर आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके रखते हैं तो उसका फ़ायदा आपके बुरे वक्त में होगा और आपको आपके परिवार की सुरक्षा भी मिलेगी और साथ ही आपको ज़रूरत के समय यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे और आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि हेल्थ
के इंश्योरेंस यहाँ पर जो है वो सस्ते प्रीमियम पर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं, जिसका फ़ायदा आपकी पॉकेट में भी पड़ता है और आम लोगों के या फिर आपके पूरे परिवार के जो खर्च हैं उसको कहीं ना कहीं से कम करने में मदद करता है। जैन साहब, ये कोविड कवच और कोरोना रक्षक के मानी क्या हैं और इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है? कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक, ये दो स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं जो कोरोना के टाइम पे लॉन्च हुई हैं। ये जो पॉलिसीज हैं दोनों दो डिफरेंट तरीके की हैं। मेनली अगर आप देखेंगे तो कोरोना कवच जो है वो आपकी रीइंबर्समेंट पॉलिसी है जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन से लिंक्ड है। ये कैशलेस भी हो सकती है, रीइंबर्समेंट मॉडल भी हो सकती है। कैशलेस का मतलब आप अगर नेटवर्क, जो इंश्योरेंस कंपनी जिसके तहत आपने लिया है उससे नेटवर्क रिलेटेड जितने हॉस्पिटल हैं, अगर आप वहां पे हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो आपको कोरोना कवच के अंदर कैशलेस बेनिफिट, जो आपके हॉस्पिटल का बिल आएगा वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे कर देगी। जब आप नॉन नेटवर्किंग हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो उस केस में आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। आप मेरे लिए पहले समझने की कोशिश कीजिए, जब मैं कोरोना रक्षक की बात करता हूं तो कोरोना रक्षक ये कहता है ये बेनिफिट बेस्ड है, इसके अंदर एक सम एश्योर्ड है। अगर कोई बंदा कोविड-19 से ग्रस्त हो जाता है तो उसमें एक सम एश्योर्ड है जो आपको मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं, बिल कितने का आया, सम एश्योर्ड। अब मैं दोनों के डिफरेंसेस आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला डिफरेंस है कोरोना कवच 50,000 रुपए से 5 लाख तक, कोरोना रक्षक 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक। दूसरा, कोरोना कवच में मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स का है, कोरोना रक्षक में मिनिमम 72 आवर्स का है। दोनों पॉलिसीज में 15 डेज की वेटिंग है, यानी आपने अगर पॉलिसी ली तो 15 दिन तक आपको ये कवर नहीं करेगी, ओनली बियॉन्ड 15 डेज ही आपको कवर करेगी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोरोना कवच आपके हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, हॉस्पिटल में आपका मेडिसिन, जो आपका बेड चार्जेस, रूम चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, आपकी पीपी किट्स, मास्क, ग्लव्स, जो एक बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट है वो कोरोना कवच में कवर्ड होता है। बट कोरोना रक्षक बेनिफिट बेस्ड है, ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन से लिंक्ड नहीं है। ये आप अगर किसी रीजन से कोई व्यक्ति कोरोना अफेक्टेड हो जाता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज कराए, फ्री में कराए, लेकिन उसका जो सम एश्योर्ड होगा जो 2.5 लाख मैक्सिमम है वो उसे मिल जाएगा। यानी दो पॉलिसी दो डिफरेंट तरीके से रन कर रहे हैं। आप कोरोना कवच में इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं, बट कोरोना रक्षक इंडिविजुअल है, आपको इंडिविजुअल लेनी पड़ेगी। अब आप पीरियड का ड्यूरेशन देखें, ये 3.5 महीने की भी हो सकती है, 6.5 महीने की भी हो सकती है, 9.5 महीने की भी हो सकती है, यानी आपका प्रीमियम आपके पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट है। पर दोनों पॉलिसी में एक चीज आपको कॉमन है कि कोरोना का जो टेस्ट सर्टिफाई होगा, कोविड-19 का टेस्ट जो सर्टिफाई होगा वो आपको गवर्नमेंट नॉमिनेटेड जो एजेंसी है उनके तहत करवाना पड़ेगा। इसमें एक चीज आपसे और मैं ऐड करना चाहूंगा, देखिए कई बार होता है कि हमारे पास मेडिक्लेम है, इंडिविजुअल मेडिक्लेम या फैमिली मेडिक्लेम हमने ले रखी है, या हमारे पास ग्रुप मेडिक्लेम हमारे एम्प्लॉयर की है, या हो सकता है कि हमारे पास दोनों है, इंडिविजुअल भी है ग्रुप मेडिक्लेम भी है, और एक ऐसा केस है जहां हमारे पास मेडिक्लेम है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, जिनके पास मेडिक्लेम नहीं है उनको तो यह पॉलिसी जरूर करानी चाहिए। अब कोरोना कवच आपके हॉस्पिटलाइजेशन को कवर कर रहा है, रीइंबर्समेंट मॉडल पे है, कोरोना रक्षक बेनिफिट बेस्ड है, जहां पे सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंसेस।
कोरोना रक्षक की एक अलग एडवांटेज है, आप कोरोना रक्षक उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनने आपके पास मेडिक्लेम है या ग्रुप मेडिक्लेम है, क्योंकि कोरोना रक्षक में आप पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, जो कंसिडरेबल अमाउंट है कोविड 19 में जब हम मेडिकल लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो ये एक मेजर कॉस्ट है जो आप कोरोना रक्षक से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। ये अमाउंट जो मैंने 50,000 to 5 लाख फॉर कोरोना कवच, 50,000 to 2.5 लाख फॉर कोरोना रक्षक, ये मैक्सिमम अमाउंट है। इसके अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको 5% का डिस्काउंट मिलता है इस पॉलिसी के ऊपर। अगर हम दोनों पॉलिसीज को देखें तो इसके अंदर कोरोना कवच आपके जो डिपेंडेंट है, इवन जो एक दिन का बच्चा है 0 to 25 years डिपेंडेंट है, कोरोना कवच में कवर्ड हो सकता है, फैमिली फ्लोटर है, पर कोरोना रक्षक में यह बेनिफिट नहीं है 18 साल से ऊपर, 18 years एंड अबव। अब ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, कोरोना कवच में आप प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आप अवेल कर सकते हैं, कोरोना रक्षक में उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो बेनिफिट बेस्ड है। अब हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम आवर्स भी मैंने आपको बता दिया, 24 आवर्स मिनिमम कोरोना कवच में, 72 आवर्स कोरोना रक्षक में। तो दोनों पॉलिसी के एक अलग अलग एडवांटेज है, बट ओवरऑल जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो कई मेडिक्लेम पॉलिसी में मैंने देखा है कि पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स कवर्ड नहीं होते, जो कंसिडरेबल अमाउंट है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है या ग्रुप मेडिक्लेम भी है तो आप देख लें कि आपके पास स्पेसिफिक कोरोना रिलेटेड कवरेज है या नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द नीड आप कोरोना कवच या कोरोना रक्षक जो आप चाहे ले सकते हैं। मैंने एक डिफरेंस आपके सामने रखा आपको ये बताने के लिए कि दोनों पॉलिसीज में डिफरेंस क्या है। एक पीरियड 3.5 महीने, 6.5 महीने एंड 9.5 महीने वो आप देख सकते हैं, और प्रीमियम भी आपका उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस ड्यूरेशन के लिए ये पॉलिसी लेना चाहते हैं। ये था जो सारा मैंने आपको बताया, ये दोनों पॉलिसीज में क्या डिफरेंस है। रवि सिंह साहब, आप एक फाइनेंशियल एनालिसिस है, और मैं ये पूछना चाहूंगा, इरडा ने कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जो खास तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस जो जारी किए हैं वो क्या है? IRDA ने यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एक निर्देश दिया है कि जो अभी कोविड की सिचुएशन है उसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्लान को लॉन्च करने की परमिशन दी है, जिससे कि आम आदमियों को कोविड के खर्चे से काफ़ी राहत मिले। और ये पॉलिसी ऐसी है जो कि सिर्फ 3 महीने से 11 महीने के लिए होगी, जब तक अभी ये कोविड की सिचुएशन है, और ऐसे समय पे आप कम प्रीमियम दे करके आप अपने बड़े खर्चों को बचा सकते हैं। ये आप इंडिविजुअल या कॉरपोरेट बेसिस पे भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो निर्देश दिया है उसमें ये है कि आप इसको कोरोना कवच पॉलिसी या फिर कोरोना रक्षक पॉलिसी के अंतर्गत ले सकते हैं, जो कि 18 साल से 65 साल के व्यक्ति परचेस कर सकते हैं। तो ये निर्देश कंपनियों को दिए, इंश्योरेंस कंपनियों को IRDA ने दिए हैं। तो नाजरीन, पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।